सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारदे आं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। लुधियाणा की जिला अदालत में होया बंब धमाका। धमाके में एक व्यक्ति हलाक, पंज जख्मी। पंजाब में हाई अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाणा बंब धमाके में जख्मी होने वालों का हालचाल जाणिया। कहा, चोणों तो पहला पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश वजों किया गया धमाका। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में लाए गए वड्डे फैसले। पंजाब कैबिनेट ने जनरल कैटेगरी कमीशन बनाने दी हरी झंडी। हुण खबरां विस्तार नाल। लुधियाणा की जिला अदालत में वड्डे बंब धमाके दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच होर जख्मी हो गए। लुधियाणा की जिला कचहरी में दोपहर 12:20 उस वेले वड्डा धमाका होया जदों अदालत में कामकाज चल रहा सी। धमाका अदालत कंपलैक्स की दूजी मंजिल के बाथरूम में होया, जिस नाल बाथरूम की कंध ढह गई और मलबा हेठां खड़ियां कारां उत्ते डिग पिया। सूत्रां मुताबक इस हमले नूं फिदाइन हमले नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। मन्निया जा रहा है कि मुलजम वल्लों बाथरूम के अंदर बंब असैंबल किया जा रहा है, जिस दौरान बंब फट गया। लुधियाणा के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस मामले की जांच लिए NIA की 2 मैंबरी टीम चंडीगढ़ विचों धमाके वाली थां उत्ते पहुंची। उधर केंद्र के गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो धमाके की घटना नूं लैके रिपोर्ट मंगी है। पंजाब विच इस दरम्यान हाई अलर्ट जारी कर दिता गया। लुधियाणा अदालत में होए बंब धमाके तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाणा के हस्पताल में पहुंचे और जख्मी लोगों को मिलकर उन्होंने हाल चाल जाणिया। उन्हें कहा कि लुधियाणा बंब धमाके में जख्मी हुए लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा और दोषियों को किसी भी कीमत उत्ते बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कहा कि विधानसभा चोणों तो पहला कुछ ताकतां पंजाब के माहौल को खराब करना चाहुंदियां ने, पर पंजाब पुलिस हर तरह के खतरे नाल निपटने लई समर्थ है। जिहड़ी कोर्ट दे विच मंदभागी घटना वापरी है, ब्लास्ट होया है, उहदे वास्ते असीं लुधियाणे मौके ते आए हैं। जिहड़े बंदियां दे सट्टां वज्जियां उहनां नूं मिले हैं। एक बंदे की मौत हो गई है, अजे जिहड़ा पहला देखण तो लगता है कि वह ही बंब चलाउण वाला सी। बाकियां दे जिन्हां दे सट्टां वज्जियां उन्हां नूं असीं मिले हैं वह आउट ऑफ डेंजर है, किसी नूं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पर यह बड़ी मंदभागी घटना हुई है। सानूं लगता है कि आने वाली चोणां नूं देख के अराजकता फैलाउण दी पंजाब दे विच कोशिश है। इस दे पिछे कीड़ियां एजेंसियां या कोई जिहड़ा गैंग है या क्या है वो बारे तहकीकात चल रही है। बड़ी छेती असी किसी नतीजे ते पहुँच जावांगे, पर यह माड़ी घटना हुई है। मैं एक गल बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहुंदा कि पंजाब दे विच किसे तरह भी अमन व्यवस्था जिहड़ी है वह भंग नहीं होण दित्ती जाएगी। सरकार हर टाइम इस गल विच लगी हुई है। साडी पुलिस जिसने बहुत वड्डे वड्डे काम कीते है वह सक्षम है हर कुछ करन दे, लेकिन ये किहड़ियां एजेंसियां हैं जिहड़ियां पंजाब नूं डिस्टर्ब करना चाहुंदियां या पंजाबियों नूं डराउणा चाहुंदियां या आने वाले समय च डरा के वोटां लेना चाहुंदियां, उहदे बारे बड़ी छेती खुलासे हो जाणगे। या कोई अपने आप नूं बचाउण नूं या अपने पर कार्रवाई करके कुछ कर रहा है, यह सारा कुछ क्लीयर होएगा। उहदे वास्ते साडियां एजेंसियां लगियां हुई हैं। सो मैं पंजाबियों नूं बेनती करना चाहुंदा कि इन्हां चीज़ां तों तुसीं पंजाबी वो है जिन्हां ने देश दे लई कुर्बानियां दित्तियां, आज़ादी लई है, कई बार लड़ाइया लड़िया, उन्होंने भी सुखरू होए है, अतवाद के समय चो भी लंघे है। ये अपने वास्ते कोई बहुत बड़ी गल नहीं है, लेकिन इन गलों कंट्रोल किया जाएगा। किसी तरह भी अमन शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। कोई भी बंदा जो गलत करेगा उसनों ऐसी तकड़े हथी टकरांगे। साढ़े हाथ मजबूत है, पंजाब के हाथ मजबूत है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਧਮਾਕਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁਆ। ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ इसमें जिन लोगों की जान गई है उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। पंजाब बीजेपी के बुलारे अनिल सरीन ने लुधियाना कोर्ट में हुए बंब धमाके की निखेधी की। उन्हें कहा कि पंजाब में अमन कानून की हालत खस्ता हो रही है ते पंजाब सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाने में नाकाम हुई है। कोर्ट कंपलैक्स के बाथरूम के विच ये बहुत चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। असीं देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते तो चाहे अमृतसर दरबार साहब के बेअदबी का कांड होवे, चाहे कपूरथले का इंस्टेंस होवे, चाहे लुधियाना का इंस्टेंस होवे और उन्हें बॉम्ब कांड होवे, ये सारा दसदा है कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की है। अज लॉ एंड ऑर्डर गंभीर स्थिति दे पहुंच गया, चिंता का विषय बन गया पंजाब के वास्ते। लेकिन पंजाब सरकार को चिंता ही नहीं। चन्नी अपनी कुर्सी बचाने लगे ने, नवजोत सिंह सिद्धू कुर्सी खोने लगे ने, इन्हें आपसी राजनीति खत्म नहीं हो रही। और पंजाब सरकार का किड़े वेले ध्यान लॉ एंड ऑर्डर वाल जाएगा, लोगों के जान माल वाल जाएगा। इस तरह के कोई भी इंस्टेंस जो किए जा रहे हैं पंजाब का माहौल खराब करने वास्ते शरारती अंसर लगे हुए हैं। असं उन्होंने भी चेतावनी देना चाहते हैं, चेतन कराना चाहते हैं कि पंजाब के पंजाबी, हिंदुस्तान के वसनीक किसी भी कीमत से तुहाडे मनसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। असं आपसी भाईचारा नहीं खराब होने देंगे और असं सारे रल के इसका विरोध करांगे। और इत्थे पंजाब सरकार नूं मैं बेनती करनी चाहना, चेतावनी देना चाहना कि चन्नी साहब सरकार चलाओ, कुर्सी आती है कुर्सी जाती है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन पंजाब दे और पंजाबियों दे जान माल की रक्षा करना तुहाडा मुख्य दायित्व हैगा। तुसीं उस ते पूरी तरह फेल हो गए हो। भाजपा के सिख आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने लुधियाणा विच बंब धमाके की जोरदार निखेधी करदे कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ढिलमठ अते प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान लिए प्यार इस हमले लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हैरानी वाली गल है कि मुख्यमंत्री इस हमले को चोणों नाल जोड़ रहे हैं ते दावा कर रहे हैं कि धमाका नशियां दे केस तो ध्यान पासे करने वास्ते होया है। उन्हें कहा कि उस व्यक्ति का बहुत ही गैर जिम्मेवाराना ते शर्मनाक बयान है जिसके मोढ़े उत्ते लोगों की ते सूबे की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। जो हुणे आतंकी हमला होया लुधियाने च, जिस दो कीमती जाना चले गई और बहुत सारे लोग जिहड़े उस जख्मी होए ने, असीं उन्हां सारे परिवारां दे इस दुख की घड़ी च उन्हां दे नाल खड़े हाँ। सानूं बड़ा अफसोस और बड़ा खेद आ कि पंजाब दे मुख्यमंत्री इस वेले भी राजनीति कर रहे ने, कदी डांस करते घूम रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू साढ़े पड़ोसी मुल्क जो साढ़े हमले बार बार करवाउंदा उसनू जफ्फियां पा रहे ने इमरान खान नू, और हुण बजाय इस दे की जिम्मेवारी लैके इस दे कोई कार्रवाई करन दी गल करदे। चन्नी जी ने इनरिस्पोंसिबल स्टेटमेंट दे के कहा कि एक इलैक्शन आ गई आ, ड्रग माफिया ध्यान भटकाउणा है। और अगर ये सब कुछ सीगा ते चन्नी जी तुसीं सुत्ते क्यों रहे, तुसीं क्यों नहीं हुण तक कार्रवाई की? अगर तुहानूं पता सीगा कि इलैक्शन दे आउण करके लोग कर रहे ने या ड्रग माफिया तो नाम भड़काने लिए कर रहे हैं, तो तुसीं चुप क्यों रहे हुण तक? मैं पंजाब दे लोगों नूं, देश दे लोगों नूं याद करना चाहुंदा। मैं पिछले कई दिन तो बार बार कह रहा कांग्रेस की 1980 दशक की रणनीति रही है कि पंजाब दे लोगों नूं लड़ाओ, उन्हां नूं मरवाओ, उन्हां नूं बदनाम करो और फिर चुनाव जितो वंट के। एक कोई नवी रणनीति नहीं, एक कांग्रेस की ट्राइड एंड टेस्टड रणनीति आ। पर सानूं दुख आ कि अज पंजाब नूं अग दे वाले कर रहे ने और ये आपस लड़ी जा रहे सत्ता पिछे और पंजाब दे हालात ये बन चुके। लुधियाणा दे कोर्ट कंपलैक्स विच होए जबरदस्त बंब धमाके तो बाद पंजाब विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया, जिस दे तहत नाभा विच DSP रजेश छिब्बर की अगवाई विच नाभा कोर्ट कंपलैक्स की चैकिंग की गई।
इस मौके नाभा के DSP ने कहा कि लुधियाना अदालत में हुए धमाके तो बाद इतने सर्च ऑपरेशन चलाए गए। नाभा सब डिवीजन कोर्ट कंपलैक्स तहसील बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जेडे भीड़ भड़के वाले बाजार ने असं उसे सर्च वगैरह सर्च अभियान चलाया लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जो भी कोई बंदा कोई चीज़ रखता उन्होंने हाथ ना लाने तो ध्यान रख असी उरे साढ़े डोर फ्रेम वगैरह हैंड मेटल डिटेक्टर साढ़े लगे हुए ने साड़ी उरे सिक्योरिटी लगी हुई है इन्हों असी अवेयर करता दस भी दिता है भी जोड़ा कोई आता उन्होंने चैक करके भेजन कोई भी चीज़ किसी की बाह अंदर ना लैके जा। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स में हुए बंब धमाके तो बाद जलंधर पुलिस ने ज्योति चौंक में सर्च अभियान चलाया पर इंस्पैक्टर साहब ने कहा कि वह इस तरह की चैकिंग रूटीन चैकिंग आखते हैं इसका लुधियाना बंब कांड नाल कोई संबंध नहीं है। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ में हुई जिस में कई वड्डे फैसले लए गए। पंजाब कैबिनेट ने जनरल कैटागरी कमिशन बनाने को हरी झंडी दी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार बेरका ने कैबिनेट के फैसलों बाबत दसिया दस दिए कि लुधियाना चोहे बंब धमाके तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पंजाब के गवर्नर नाल मुलाकात की है। जानकारी मुताबिक पंजाब की सारी कैबिनेट भी उन्होंने नाल मौजूद सी। विधानसभा च असी बिल पास किए सी उन्हां चों 12 बिल गवर्नर साहब वालों सानू पास करके वापस नहीं भेजे गए जिदे करके साडे काम रुके हुए है जिदे विच जेडे गवर्नमेंट इंप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बेस ते हैं उन्होंने पक्के करन दा भी बिल है वो अजे तक गवर्नर साहब वालों वापस नहीं भेजा गया। तो इस तरह 12 बिल हैं जेडे कि कानून बनाए हैं असी उन्होंने कानून बना के इन्होंने वापस भेजना होंदा है सानू अजे भेजे नहीं इस करके असी गवर्नर साहब नूं अज मिलन आए हैं तो उन्होंने बेनती की है कि ये जिहड़े बिल है सानू छेती भेजे जाण। उन्होंने कहा मैं सोमवार तो इन्हों देख के भेजागा कदों भेजणगे सानू अजे पता नहीं लेकिन असी अपने वालों बेनती की कि इलैक्शन कोड लगन वाला असी इन्हों छेती करना चाहते सानू छेती दिते जाण। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे में 5 एकड़ तक की मालकी वाले लगभग 1.9 लाख छोटे और सीमांत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे के निपटारे लिए मौजूदा कर्ज माफ़ी स्कीम तहत 1200 करोड़ रुपए के फंड जारी करने का ऐलान किया है। जिक्रयोग है कि सूबा सरकार पहला ही अजिहे 5.63 लाख किसानों के 4610 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ कर चुकी है। साल भर चले किसान अंदोलन दौरान सैकड़े किसानों वालों दी कुरबानी की याद में इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के योगदान बाबत 5 एकड़ जमीन में अत्याधुनिक यादगार बनाने का ऐलान भी किया। संयुक्त किसान मोर्चे की एक होर वड्डी मंग नूं प्रवान करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने सूबे अंदर काले खेती कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों विरुद्ध पंजाब पुलिस वालों दर्ज की गई सारी FIRs 31 दिसंबर 2021 तक रद्द करने का ऐलान किया। इस मौके मुख्यमंत्री चन्नी ने किसान अंदोलन दौरान जान गवाने वाले किसानों के 17 वारसों तरस के आधार पर नियुक्ति पत्र भी सौंपे। दस दिए कि संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चन्नी नाल मुलाकात की सी। कोरोना के नवे वेरियंट ओमीक्रोन को लेकर दुनिया भर में दहशत है। भारत में ओमीक्रोन के 236 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के मामले सब तो वध ने। ओमीक्रोन वेरियंट नाल लड़ने लई दिल्ली सरकार ने तैयारी खिंच ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि ओमीक्रोन नाल लड़ने लई असीं दिल्ली में टैसटिंग वधा रहे हैं। अधिकारियों को किसी भी स्थिति नाल निपटने लई तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावें ही मामलों की गिणती घट है पर दवाइया ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीमीटर भंडार समेत होर सारिया जरूरी चीज़ों की तैयारी 24 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 60% आबादी तो वध योग आबादी का COVID-19 रोकू टीकाकरण किया जा चुका है। मांडविया ने ट्वीट किया नवी उपलब्धि वधाई भारत जनता की भागीदारी साढ़े सेहत कामों के समर्पित यत्नों सदका 60% तो वध योग आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुके हैं। सेहत मंत्रालय के अधिकारी ने दसा कि भारत के 99% बालक आबादी को टीके की पहली डोज मिल चुकी है। अकाली आगू और सबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अगाऊ जमानत लई मोहाली अदालत में अर्जी दायर की है। इस अर्जी में आख्या गया कि पुलिस कोल मजीठिया खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मामला गलत ढंग नाल दर्ज किया गया। चोणां नेड़े होण करके मजीठिया नूं फसाउण अते बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
दोपहर समय मजीठे की जमानत अर्जी उत्ते मोहाली के वधीक जिला सैशन जज संदीप कुमार सिंगला की अदालत में सुनवाई हुई, जिस दौरान सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकीलों में जबरदस्त बहस हुई है। अदालत ने दोवें तरह के दलीलों सुनने तो बाद फैसला राखवा रख लिया। अदालत कल इस मामले उत्ते मुड़ सुनवाई करेगी। पटियाला बिजली निगम दफ्तर में बलदेव सिंह सराने सीएमडी वजों अहुदा संभाले। इस मौके पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा तो इलावा बिजली निगम के समूह अधिकारी मौजूद रहे। रंधावा ने कहा कि सरां की अगवाई में पावरकॉम बेहतर सेवावान देगा। उन्होंने बिजली समझौतों बारे गल करद कहा कि पंजाब सरकार ने अपने वालों समझौते रद्द करने राज्यपाल को फाइल भेज दी है तो उन्होंने वालों दस्तखत होने बाकी ने। मजीठिया उत्ते मुकदमा दर्ज होने के मामले में उन्होंने कहा कि नशा बेचने वाला सियासतदान नहीं हो सकता। सरदार बलदेव सिंह सराह चेयरमैन इन्होंने अच्छ पी एस पी सी एल का चेयरमैन साहब ने अपॉइंट किया और मैं उन्होंने मुबारकबाद दें दी है क्योंकि जिस टाइम इन्होंने जो पहला इन्होंने टन्योर से और इन्होंने काम किया साड़ी सारे की और पंजाब के लोगों की भी डिमांड सी कि एक वधिया चेयरमैन जिन्होंने बहुत वधिया तरीके काम किया उन्होंने दोबारा जोड़ा किया जी और सारे जो डिसीजन किया चेयरमैन साहब ने उन्होंने सी एम साहब ने तो सारे मिनिस्टर ने उस कंसेंट दे के पंजाब दिया जो बिजली बोर्ड दे विच कोई कमियां रह गई जड़िया कुछ चीज़ा करने वाली ने कोई मुलाजमान दियाँ क्योंकि आप भी ये बहुत देर इस संघर्ष दे विच जुड़े रहे हैं तो उस करके इन्हों अपॉइंट किया और इन्हों की इमानदारी इन्हों की दयानतदारी और इन्हों की जी लगन और काम करने का जोड़ा वो चीज़ करके असं पंजाब के बिजली बोर्ड जी कि मेन जो कोई पंजाब अज भी किसी सुरखियों के रहा किसी बिजली के रहा तो वह बिजली बोर्ड जोड़ा पंजाब की बैकबोन है और इन्हें बे इस बिजली बोर्ड ने पंजाब की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डोमैसटिक उन्हों दौड़ा पूरिया कर एक चंगा योग ईमानदार और चंगा नीतिघाट जरा उन्होंने असी चेयरमैन देखो असी गवर्नर साहब को भेज दिए वो जोड़े सॉवरेन समझौते जोड़े पुराने जोड़े हुए गवर्नर की कंसेंट आएगी असी अपने वालों उन्होंने रद्द कर ली भेजा और हूँ नवे चेयरमैन जोड़े लाए ने उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर नशा बेचण वाला कोई सियासी नहीं हो सकता नशा बेचण वाला नशा थाना बनाया बादलों के टाइम का ही बनिया सीनियर अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया उपर दर्ज किए गए मामले में लेकर गुरदासपुर की अकाली लीडरशिप और उम्मीदवार ने जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली से सुचा सिंह छोटेपुर वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस विच उन्हें कहा कि मजीठिया खिलाफ बदलाखोरी की नीति तहत कार्रवाई की गई है जिस खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मौके छोटेपुर ने डॉक्टर राजकुमार वेरका उत्ते भी तिखे निशाने साधे। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हैगी है सरदार बिक्रम जी से मजीठा जी के जिहड़ा इन्होंने झूठा केस बनाया उन्होंने वो संबंध में कांग्रेस का काम लोगों से मुक चुका और जो गल्लां उन्होंने असैंबली दे विच कहियां कि असी कि मूँह लैके जावे लोगों से लोगों ने सू छित फेरना सू वोट किसी ने नहीं पानी वो अपनी उस होमे न पट्ठे पा रहे हैं केस कोई बनता नहीं पांच साल तकरीबन लंघ गए सारे पांच साल सरकार इन्हों के कोल सी इन्होंने बार बार सिटा भी बदल के देख लिया डी जी पी भी बदल के वेख ले एक डी जी पी रातों रात लियाए तो वो को एफ आई आर दर्ज करा दतियाँ ये बदले की भावना सारा कुछ कर रहे हैं और यदा इन्हों खमियाजा जोड़ा कांग्रेस में बहुत बुरी तरह भुगतना पेगा। पंजाब के लोग समझ चुके हैं कि जो कोई कसूर से तो पांच साल पहला यह गल करते इन्ना टाइम लंघन के बावजूद हूँ जाते जाते सिर्फ अपनी होमे न पट्ठे पा रहे हैं कि जो लोगों अं असैंबलियां कह चुके हैं अखबारों बयान दे चुके हैं पब्लिक के जाना साडा औखा हो जाना बिल्कुल ये मजीठा जी का कोई भी संबंध नहीं देखो तो शायद ये नहीं पता सानू तो आदत हैगी अंदर बार जान की कोई परवाह नहीं गई जितने ये गए ना तो जिस तरह बर्फ खुरदी है ना उस तरह खुर जाने ये एक दिन ही जेल च कट सकते अं तो कई बार जेलों से गए हैं ये झूठे केस बना रहे हैं राजकुमार को बोलने की जरूरत तो वध बोल जाता मैं समझना भी उन्होंने अपनी जबान लगाम देनी चाहिए और यहोजियां घटिया गल्लां नहीं करनी चाहिए जे तुहाडे कोल कोई सबूत से तुहानू लोगों ने सरकार दित्ती सी पांच साल कर दे हुण तुहाडा कम मुक गया होया लोगों च तो हुण तुसीं इहो जिहे इल्जाम ला रहे हो। लुधियाणा में हुए बंब धमाके की निखेधी करते हुए केंद्रीय मंत्री ते भाजपा के पंजाब चोण इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस वेले पंजाब माफिया का गढ़ बन चुके हैं। उन्हें मजीठिया मामले उत्ते भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जेकर मजीठिया सच्चे ने तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए जे नहीं तो कानून अपना काम करे।
इसलिए मुझे लगता है कि अब मैटर क्योंकि केस दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच कर लेगा। यदि कोई व्यक्ति पाक साफ है और उसने किसी तरह का अपराध नहीं किया है तो पुलिस के सामने आकर के उसको फेस करना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। और यदि जांच से कोई व्यक्ति भागता है तो कानून को अपना काम पूरी ताकत के साथ में करना चाहिए। पंजाब के युवकों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना, और जैसे मैंने कहा कि एक समृद्धि वाले पंजाब की छवि होती थी और दूसरे आजकल नशे से गिरफ्त पंजाब की छवि होती है, इसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। नशा मुक्त पंजाब करके रोजगार युक्त पंजाब बनाएंगे, समृद्ध पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, भाईचारे का पंजाब बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में। श्रोमणी अकाली दल बादल ने मांग की है कि हाल ही में हुई बेअदबी दी घटनावां की हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी हेठ जांच करवाई जाए और पार्टी ने पुलिस वालों बेअदबी मामले में कार्रवाई न करने के खिलाफ रोस प्रगटाने लई 2 जनवरी को अमृतसर में मंजी साहब विखे विशाल पंथक रोस इकट्ठ करने का ऐलान किया है। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के सरप्रस्त और माझे के जरनैल वजो जाने जाते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने साथियों समेत श्रोमणी अकाली दल बादल में वापसी कर ली है। अकाली दल बादल के सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा को पार्टी में वापसी करवाते हुए आख्या कि उन्होंने घर वापसी नाल पार्टी चोणों में वड्डा फायदा होगा। इस मौके जथेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल साडी मां पार्टी है। उन्हें कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां ने। ये कांग्रेस इतों की जिहड़ी सरकार है पंजाब की, मैं कोई सियासी रंगत नहीं देना चाहता। इन्होंने कहा असी 3 दिन के अंदर अंदर असी मुलजम फड़ लांगे, सिट मुकर्र करती है, लेकिन जो 6-7 दिन टप गए इहदे ते कोई इन्हां दी सीरीयसनैस नहीं नजर आ रही, ना हिंदुस्तान की सरकार की ना पंजाब सरकार की। इसलिए यह बहुत दुख है, बहुत सदमा है। इस वास्ते 2 तारीख को श्री अमृतसर साहब मंजी साहब एक बहुत वड्डा पंथक इकट्ठ रोस इकट्ठ हो रहा है, जिदे च यह रोस का प्रगटावा किया जाएगा। और इस तो बाद जे ये फिर सुतियां सरकारां ना जागियां तो फिर होर कदम अगे चुनण का ऐलान किया जाएगा। 18 तरीक नूं जो होया घटना, जो सब तो माड़ी घटना है अपने इतिहास में, जिंदगी च ऐ जी घटना एक बार पहले दरबार साहब ते हमला कांग्रेस सरकार ने टैंकां तोपां ते कीता, ते हुण कांग्रेस दी सरकार दे दौरान दरबार साहब दे अंदर जाके एक दुष्ट इंसान ने उते हमला कीता। श्रोमणी अकाली दल मंग करदा है कि सिटिंग हाईकोर्ट जज दी मॉनिटर्ड अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए है। हाईकोर्ट सिटिंग जज दी मॉनिटर्ड, तुसी देखिया बहुत वड्डे वड्डे केसां च हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दी मॉनिटर्ड एसआईटी बनती हुंदी है जिहड़ा हाई कोर्ट दे जज मॉनिटर करदे आ। पंजाब दे जनता नूं, सिख पंथ नूं, किसे कांग्रेस दी सरकार, चन्नी सरकार, सुखी रंधावा सरकार ते कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वह बचाउण दे फिरदे आ, कवर अप ऑपरेशन ते लगे आ। ते असीं सेंटर दी एजेंसियां नूं वी कहना चाहुंदे आ, देखो ऐ जी घटना अज तक किते नहीं हुई, जै जी घटना अज हुई एक्टिव है। एडा वड्डा हमला पंथ ते होना ते इन्नी छोटी गल बना देनी कांग्रेस सरकार ने, ये तो माड़ी गल, एडी माड़ी सोच कांग्रेस सरकार दी नहीं हो सकती। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही, जाते जाते नज़र मारदे मौसम के हाल उत्ते, तुसी बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।